ये आकाशवाणी है अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंसा की ऐसी घटनाएं भारत का संकल्प कमजोर नहीं कर सकती श्री मोदी ने कनाडा सरकार से इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हमले को बेहद चिंताजनक बताया है आज सुबह कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि कनाडा में आतंकी गुटों को राजनीतिक शरण दी जा रही है उन्होंने कहा कि कनाडा में बिना कोई विशेष जानकारी दिए आरोप लगाने का एक पैटर्न विकसित कर लिया है उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों पर निगरानी रखा जाना अस्वीकार्य है कैनबरा में मंदिरों पर हुए हमलों के बारे में पूछे जाने पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमले भारतीय समुदाय के लिए परेशानी पैदा करने वाले हैं उन्होंने कहा कि सभी ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा और सम्मान के हकदार हैं भले ही उनकी आस्था और संस्कृति कुछ भी हो इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की पन्द्रहवीं औपचारिक वार्ता में भाग लिया सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी लगातार बढ़ रही है उन्होंने कहा कि ये मजबूत राजनीतिक संबंधों सुदृढ़ रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग विस्तारित व्यापार अधिक गतिशीलता और गहरे शैक्षिक संबंधों में परिलक्षित होता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत धर्म की पवित्र भूमि है और हर युग में यहां महान गुरु और रहस्यवादी हुए हैं नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्शकों में अद्वितीय स्थान है उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बोध में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम का ज्ञान प्राप्त करना इतिहास की अद्वितीय घटना है राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया कई मोर्चों पर अस्थिर के संकट का सामना कर रही है लेकिन बौद्ध समुदाय के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ है संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से बौद्ध धर्म को सम्मानित करने के लिए दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो गया है राज्य में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में डोमचाची में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रांची और लोहरदगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हजारीबाग के मांडू और रांची के कांके में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संविधान को अपनाने की पचहत्तरवीं वर्षगांठ 26 नवंबर को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार की है भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा मनोज मिश्र की खंडपीठ ने 22 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ घोषित किया गया था शीर्ष न्यायालय की इस व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसे काम करते रहेंगे और सरकार को शैक्षिक मानक निर्धारित करने का अधिकार होगा मोसई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और उनके जोड़ीदार पुर्तगाल के फ्रांसिस्को केब्राल पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं फ्रांसीसी जोड़ी आर्थर केजोरॉक्स और हेरल्ड मायो मुकाबले से हट गई थी क्वार्टर फाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला बृहस्पतिवार को मैक्सिको के सेंटियागो गोन्जालेज और फ्रांस के एंड्रोड रॉजर्ड वासेलिन की शीर्ष शीर्षवरिता प्राप्त जोड़ी से होगा इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ